हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं प्लस वन में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में एन अर्थ सैटेलाइट, अर्थ का कोई सैटेलाइट है, उसके अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, दैट इज सडनली डिसअपियर, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। देन सैटेलाइट विल, सैटेलाइट के साथ क्या होगा, वेनिस्ट इन टू द आउटर स्पेस, वो आउटर स्पेस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यू टू ऑर्बिटिंग, वो अर्थ के अराउंड एज इट इज कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा, ऑर्बिटिंग करता रहेगा। फोल डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सर्फेस पर गिरेगा। एंड फ्लाइंग ऑफ टेंजेंशली, वो टेंजेंशली जो है चला जाएगा, ठीक है, स्पेस में चला जाएगा। तो देर आर फोर ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट इसे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ये हमने बताना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, जो हमने सैटेलाइट लॉन्चिंग पढ़ा है, सैटेलाइट पढ़ा, ठीक है, उसमें ही हमने अर्थ कंसिडर की। एक सैटेलाइट जो है क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिटिंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए सैटेलाइट जो ऑर्बिटिंग कर रहा है, इसका मास हमें कंसीडर करें, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी की अगर बात करें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट जो है वो ऐसे जाना चाहता है किसी इंस्टेंट पर, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल जो है इसको अपनी तरफ खींचता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इस पर लगता है एफ जी, ठीक है, और वो क्या करता है, एक नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, विच इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और इस फोर्स के इफेक्ट के अंडर ये सैटेलाइट जो है इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में ऑर्बिटिंग करता रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सडनली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, ठीक है। अगर ये फोर्स सडनली डिसअपियर हो जाता है तो इसका मतलब इसकी वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया था एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स आया था, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो फोर्स इसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाने के लिए, रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो खत्म हो जाएगा। और तो ये सैटेलाइट जो है, ये एम मास का सैटेलाइट जो है, वो कैसे जाएगा, फिर टेंजेंशियली जाएगा, कैसे जाएगा, टेंजेंशियली स्पेस में चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। फोर्थ, फ्लाइंग ऑफ टेंजेंशियली टू द आउटर स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ, जो अर्थ की स्पिनिंग स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर, बॉडी का, किसी बॉडी का वेट जो है इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें जैसे पता है तो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, उसकी स्पिनिंग स्पीड जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। कोई बॉडी जो है अर्थ के सरफेस पर इक्वेटर वाली पोजीशन पे प्रेजेंट है, तब उस पॉइंट के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, उस बॉडी का वेट जो है क्या सेम रहेगा, डबल होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। इन फोर ऑप्शन में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन जो है फाइंड आउट करना है। देखें, डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अर्थ जो है ये हमने अर्थ कंसिडर की, ये पोलर एक्सिस जिसके अबाउट वो क्या करती है, स्पिनिंग करती है, उसकी एंगुलर स्पीड स्पिनिंग स्पीड ओमेगा है, ठीक है। ये वाली एक्सिस जो हम ड्रा कर रहे हैं इक्वेटर के अलोंग, ये अर्थ के इक्वेटर के अलोंग हमने एक प्लेन ड्रा कर दिया, ठीक है। ये पोलर पॉइंट हो जाता है पोल, और ये इक्वेटर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसमें गिवन क्या है कि वो पर्सन जो है वो कहाँ है, इक्वेटर पर है, किस पर है, इक्वेटर पर। तो हमने यहाँ बताना है उस पर्सन का, ये अर्थ है, यहाँ कोई पर्सन है एम मास का, उसका वेट जो है या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कुछ हमने बताना है। अब देखें, अगर अर्थ की स्पिनिंग की अगर बात करते हैं, तो हमने केस डिस्कस किया था, अगर मान लिया कोई भी मासी बॉडी, ठीक है, किसी लैटिट्यूड पर है, इक्वेटर से किसी लैटिट्यूड पर है, से ये एंगल थीटा है, ठीक है, जर्नल पॉइंट पर है ना, वो पोल पर प्रेजेंट है ना इक्वेटर पर, किसी पॉइंट पर प्रेजेंट है, लैटिट्यूड जो इसका इक्वेटर वाले प्लेन के साथ वो क्या है, थीटा एंगल पर है। तो इस पॉइंट पर हमने जी की वैल्यू, जी इफेक्टिव हमने फाइंड आउट किया था, तो आंसर आया था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा आंसर था जो हमने सोल्व किया था अर्थ की रोटेशन की इफेक्ट, अर्थ की रोटेशन का जो इफेक्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, उस पर हमने न्यूमेरिकली ये सोल्व किया था, ठीक है। अब जैसे अगर बात करते हैं, ये पॉइंट जो है अर्थ के इक्वेटर वाले पोर्शन पर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये पर्सन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, इक्वेटर पर शिफ्ट हो गया। तो इस केस में अगर देखें तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो थीटा क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी, कोस ऑफ जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन।
तो इसका मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू जो आएगी, जी इफेक्टिव की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसके वेट से रिलेटेड बात पूछी गई है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, दोनों साइड मास को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो इफेक्टिव वेट आ जाएगा ना। ठीक है, तब आंसर देखते हैं। अब अगर बात करें तो अर्थ की स्पिनिंग स्पीड क्या की गई है, इंक्रीज, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। ओमेगा की वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हुआ तो जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कोई मासी बॉडी है एम मास की। ठीक है, फर्स्ट केस में उसे रखा गया अर्थ के सरफेस पर। अब अर्थ के सरफेस पर रखते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगी, हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किया है। सेकंड केस में क्या करते हैं, इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक राइज कर दिया जाता है, अप टू एच हाइट तक राइज कर दिया जाता है, और जितनी हाइट तक राइज किया है दैट इज इक्वल टू थ्राइस टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। पहले अर्थ के सरफेस पर थी, दूसरे केस में उसे एच हाइट तक क्या कर दिया, राइज कर दिया, जो एच है वो क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इस मासी बॉडी का मास अगर आप कंसीडर कर रहे हो स्मॉल एम, देन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया वो हमने फाइंड आउट करना है। यस स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं, ठीक है, कौन सा आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट केस में बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी से यू वन होगी। एज वी नो पोटेंशियल एनर्जी कैसे दी जाती है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ द बॉडी, देन सरफेस पर है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस जो होगा रेडियस ऑफ अर्थ होगा, से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब बात करते हैं बॉडी सेकेंड केस में कहाँ हो जाती है, सेकेंड केस में एच हाइट पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल जी यू टू बोल देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी इज यू टू विच इज गिवन बाय माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवीजन में इफेक्टिव, सेंटर से इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, दिस इज थ्री आर से दिस इज आर से दिस इज स्मॉल आर, देन व्हाट इज आर, जो अगर आर की वैल्यू निकालूं, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है ही है, उसमें कितना ऐड करना है, थ्री टाइम्स ऑफ आर ऐड करना है, तो यहाँ से मेरे पास जो होगा यू टू का रिजल्ट होगा माइनस कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस थ्री आर इज फोर आर। तो सेकेंड केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, यू टू है। अब बॉडी जब यहाँ होगी उसकी एनर्जी हमें पता है, यहाँ की एनर्जी जो हमें पता है, हमें चाहिए चेंज इन एनर्जी, डेल यू निकालेंगे, डेल यू कैसे निकालें, ठीक है, यू टू माइनस यू वन करें तो रिजल्ट रहेगा, ये रिजल्ट है माइनस कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाई फोर आर। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवीजन में रहे यार, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर, फर्स्ट वन इज वन वन एंड वन बाई फोर सॉल्व करें तो रिजल्ट विल बी थ्री बाई फोर, क्या आएगा थ्री बाई फोर, क्रम एज इट इज रहेगी जी एम एम डिवीजन में रहे आर, अभी हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर देखें स्टूडेंट्स यहाँ आंसर जो है वो कैपिटल जी एम की फॉर्म में है, यहाँ वेट की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हमें फर्दर सोल्व करना होगा। ठीक है, कि जैसे हमें पता है जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, तो जी एम के लिए सोल्व करें जी आर स्क्वायर होगा, वैल्यू पुट करें आंसर मिलेगा, तो वैल्यू पुट करते हैं थ्री बाई फोर एज इट इज, इसकी जगह आएगा जी कैपिटल आर स्क्वायर, डिवीजन में है हमारे आर एम एज इट इज, आर में आर को काटा सिंगल पावर से। ठीक है, रिजल्ट क्या रह गया, रिजल्ट रहा स्टूडेंट थ्री बाई फोर एम जी आर, तो ये हमारा आंसर बन के आया, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, डी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वही केस है, थोड़ा सा जर्नलाइज करेंगे उसी रिजल्ट को एक ट्रिकी फॉर्म में ताकि हम यूज कर सकें। जैसे मासी बॉडी होगी, हम मास की अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है, जिस अर्थ का रेडियस आर कंसिडर करें, मास कंसिडर करते हैं तो कैपिटल एम है, मासी बॉडी का मास एम। ठीक है, अब सेकेंड केस में उस बॉडी को क्या कर दिया जाता है, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक राइज कर दिया जाता है, से एन टाइम्स जो है, एन टाइम्स ऑफ आर जो है राइज कर दिया, देन वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, नेट चेंज कितना आया, कॉन्सेप्ट वही है बेसिकली, इसको हम जनरली सोल्व करेंगे और फिर इसे ट्रिकी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल किया उसमें एच कितना था, थ्री आर था, तो हमारे पास डेल यू का रिजल्ट अगर हम देखें तो क्या था, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसमें देखा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आंसर ही आया था, इसमें जस्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी इसके बाद हमें, तो डेल यू अगर हमने यहाँ निकालना है तो सिंपली क्या करना है, आप एन डिवीजन में एन प्लस वन लिखें और साथ में पहुंचाए एम जी आर, तो ये हमारे पास टोटल चेंज आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी का। पिछले वाले में अगर एन की वैल्यू देखें तो थ्राइस टाइम्स था, कितने टाइम्स था, थ्राइस टाइम्स,
एन की वैल्यू क्या थी, थ्री। सिंपली अगर यहाँ रिजल्ट रखते हैं थ्री, थ्री प्लस वन इज फोर, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो सोल्व करते हैं कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। इसमें देखें डेल यू अगर फाइनल की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस होगा इफेक्टिव आर विद नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। इस फार्मूले का यूज करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट केस में फाइनली एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवीजन में आया आर प्लस, कितनी हाइट तक राइज किया गया है, एन आर। तो इफेक्टिव आर क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। देन माइनस इनिशियल, इनिशियल में सरफेस पर है, रिजल्ट रहेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवीजन में सिंपली आर, सरफेस पर नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ काउंट होगी नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो फाइनली हमने इन दोनों को सम अप करना है। ठीक है, अब एलसीएम लेकर इनको सिंपलीफाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एन डिवीजन में एन प्लस वन इंटू में रहेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवीजन में रहे आर। फिर ये हमारा जर्नल रिजल्ट बन जाता है एनर्जी चेंज का। अब हमने एम जी की फॉर्म में, वेट की फॉर्म में अगर आंसर बताना तो एम जी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो एम जी की वैल्यू क्या आएगी, हमने जैसे जी की वैल्यू सरफेस पर डिस्कस की थी जी एम डिवाइडेड बाई आर, यहाँ से जी एम की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट रहेगा एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू एम जी आर। तो ये हमारा एक जर्नल फॉर्मूला बन जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालने का। दैट्स ऑल। ये स्टूडेंट एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और देखें, लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगी हमारी ये। ठीक है, देखें क्या गिवन है, सो दैट एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के इक्वेटर पर लाई करता है फ्लाइंग ऑफ अर्थ के सरफेस से दूर चला जाएगा। ठीक है, इफ इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन, जो अपने एक्सिस के अबाउट उसकी रोटेशनल स्पीड है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए बाई 17 टाइम्स, क्या हो जाए 17 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जैसे अर्थ हम कंसिडर करते हैं अपनी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है ओमेगा। ठीक है, वो ओमेगा जो है वो चेंज हो जाती है किसमें, ओमेगा डैश में, और दैट इज इक्वल टू 17 टाइम्स, 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो इक्वेटर वाले प्लेन पे, यहाँ इक्वेटर पर अगर कोई भी पर्सन यहाँ होता है, यहाँ कोई मासी बॉडी ऐसे कोई पर्सन है, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया कोई पर्सन जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लाइंग ऑफ अर्थ के सरफेस से दूर चला जाएगा। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो देखिए, जैसे अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो कोई पॉइंट लेते हैं, हमने डिस्कस किया है जी की वैल्यू, जी इफेक्टिव जो है किसी एक जर्नल पॉइंट पर क्या होगा, उसका रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है हुज लैटिट्यूड इज थीटा। ठीक है, तो जी की वैल्यू वी नो दैट, हमें ये बात पता है स्टूडेंट कि जो जी इफेक्टिव होगा किसी जर्नल पॉइंट पर वो क्या होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर जी में कॉमन लेता हूं तो रिजल्ट रहे जी इफेक्टिव जो है वो क्या रहेगा, जी आउट लिया वन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जी डिवीजन में चला जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट। अब जब पर्सन इक्वेटर पर शिफ्ट होता है, किस पर शिफ्ट होता है, इक्वेटर पर, यहाँ पर्सन शिफ्ट हो गया तो देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो, तो यहाँ कोस ऑफ जीरो डिग्री यूज होगा दैट इज इक्वल टू वन। तो z इफेक्टिव जो रहेगा वो क्या आएगा, z इंटू वन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, z cos 0 is 1, 1 square is 1, तो ये हमारे पास z इफेक्टिव आएगा। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है ये, तो फर्स्टली पहले इस टर्म को सोल्व करते हैं। हियर अगर हम इस टर्म को सोल्व करें, ये वाले टर्म आर ओमेगा स्क्वायर बाय z, r इज व्हाट 6.4 इंटू 10^6 रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा सोल्व करेंगे, ठीक है, टू, ओमेगा क्या होगा हमारा 2π/T, ठीक है, 2π की वैल्यू रखें, 2π 3.14 इंटू, सॉरी, यस, यही रहेगा, डिवीजन में टी 24 हावर मिनट, देन सेकंड, सेकंड तो 60, तो इस क्वांटिटी का टोटल का क्या है, स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर है ना, जी जी 10, तो अब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं न्यूमेरिकली, इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट होगा 1/289, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट ये रहेगा हमारे पास 1/289। ठीक है, तो अब अगर मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ओमेगा चेंज की गई 17 टाइम,
ठीक है, तो जी की वैल्यू सोल्व करेंगे, ओमेगा की रिप्लेसमेंट करते हैं ओमेगा डैश से, दैट इज 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा। तब जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव जो हमने सोल्व करना है तो रिजल्ट रहेगा जी इंटू वन माइनस, ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो ओमेगा आएगा ना आर ओमेगा डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, वैल्यू रखें तो जी इंटू वन माइनस आर, इसकी जगह रखेंगे 17 टाइम, फिर होगा 17 टाइम का भी, तो क्या आएगा 289 टाइम्स ऑफ ओमेगा डिवाइड ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अब इसको देखें स्टूडेंट रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ध्यान से नोट करें, जी इंटू वन माइनस ये रिजल्ट रहा 289 इंटू में आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, बट स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमने सोल्व की है तो इसकी वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 289, तो रिजल्ट आया जी इफेक्टिव, इफेक्टिव क्या होगी जी इंटू वन माइनस दिस इज 1 बाई 289 कैंसिल आउट हुआ 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर अगर कोई पर्सन होता है और अर्थ की ओमेगा जो है वो 17 टाइम्स हो जाती है तो यहाँ कोई भी फोर्स जो है अर्थ के सेंटर के टुवार्ड नहीं लगेगा, वो अर्थ के सरफेस से क्या होगा फ्लाई ऑफ हो जाएगा।